सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। प्यार का दिन, प्यार के इजहार का दिन, अपने जज्बातों को शब्दों में बयां करने के लिए शायद इस दिन का हर धड़कते हुए दिल को बेसब्री से इंतजार होता है। हम बात कर रहे हैं प्यार के परवानों के दिन की, यानी वैलेंटाइन डे की। इस विशेष में हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर क्या मायने हैं इस दिन के। चौदह फरवरी को मनाए जाने वाले इस दिन को कई देशों में अलग अलग अंदाज और विश्वास के साथ मनाया जाता है। जहां चीन में ये दिन लेकिन नाइट्स ऑफ सेवंस के नाम से मनाया जाता है, तो वहीं जापान और कोरिया में इस दिन को वाइट डे का नाम से जाना जाता है, तो भारत में इस वैलेंटाइन डे नाम से जाना जाता है। लेकिन इसको लेकर सभी की राय जरूर अलग है, तो क्या है युवाओं की राय वो सुन लीजिए। ऐसा नहीं है कि वैलेंटाइन डे सिर्फ या गर्ल्स या बॉयज़ के लिए होता है। आजकल यंगस्टर इसको उल्टे वे में लेते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि ये एक बेटी अपनी माँ से भी प्यार के बारे में कह सकती है, एक बेटा अपने बाप से, ये बहन भाइयों के बीच में भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा सिर्फ मतलब बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में ही अट्रैक्शन हो। हमें इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान न देकर अपने कैरियर के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। ये वैलेंटाइन डे केवल लड़का और लड़की के बीच का नहीं है। वैलेंटाइन डे ये है एक पेरेंट्स के बीच में भी हो सकता है, भाई बहन के बीच में भी हो सकता है, मम्मी पापा के, फ्रेंड्स के और टीचर्स के जो हमें पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद अगर हम किसी लेवल पे पहुंच जाते हैं तो हम शायद ये भी भूल जाते हैं कि हम किसकी वजह से पहुँचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी फैमिली के साथ साथ हमारे टीचर्स का भी हाथ होता है। और वैलेंटाइन डे हम सबको एक साथ इकट्ठे मिल के मनाना चाहिए, ना कि अलग अलग रह के अलग अलग हो के मनाना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि प्यार प्यार शब्द आजकल वो बहुत लिमिटेड हो गया है। ये सोचते हैं कि सिर्फ लड़का और लड़की के बीच में प्यार होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये शब्द हमारे बाकी के रिश्तों पर भी लागू होता है। जैसे हम अपने माँ बाप से भी प्यार करते हैं, क्या हम कभी उनके लिए कुछ स्पेशल करने की कोशिश करते हैं? नहीं। लेकिन एक लड़की के लिए हम सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, या एक लड़की जो है एक लड़के के लिए सब कुछ करने की कोशिश करती है। और मैं ये कहूँगी कि ये एक मुफड़ता है, एक पैसे की बर्बादी है। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਆ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਤਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਈਵਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਟ ਇਹ ਗਲਤ ਵੇਚ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲਓ, ਗੁੱਡ ਵੇਚ ਲੈ ਕੇ सही अपना मोहब्बत बताओ, सारे नाल बताओ। हमारे देश में वैलेंटाइन डे का कोई इतना महत्व नहीं है, ना ही हमें मनाना चाहिए, क्योंकि हमारा काम है स्टूडेंट्स का पढ़ना लिखना और अपने देश को आगे लेके जाना। जो भी हमारे देश का भविष्य है हमारे हाथ में है, ना कि इन बातों में है। अगर हम इन बातों में अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो हम अपने देश का फ्यूचर कैसे बनाएंगे, कैसे अपने देश को आगे लेके जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो वैलेंटाइन डे है या वैलेंटाइन वीक है, ये सब मेरे लिए वेस्ट है, क्योंकि सबको ये याद है कि भी वैलेंटाइन डे है 14 फरवरी को, लेकिन किसी को ये याद नहीं कि भगत सिंह सुखदेव और उनको फांसी हुई थी इस दिन, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया था। उनकी इसको कोई भी याद नहीं रखता कि भी उन्होंने हमारे लिए जान दी थी। तो सबको वैलेंटाइन डे याद है कि अभी हाँ भी वैलेंटाइन डे है, या लड़का लड़की को प्रपोज करता है या कुछ भी, ये सब कुछ वेस्ट है सर। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सर मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि मेरे दोस्त ने अभी बताया कि हमें देशभक्ति के लिए थोड़ा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जैसे कि हम और दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो थोड़ा हमें फौज देशभक्ति के जो अपने दिन होते हैं उनको भी सेलिब्रेट करना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप सभी दिन सेलिब्रेट करें, लेकिन कुछ सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसे कि अब ये वैलेंटाइन मनाया जा रहा है, तो कुछ देशभक्ति के, कुछ गांधी जयंती मनाई जाती है, इस तरह के कुछ त्यौहार है जो हमारे सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, तो हमें मिलजुल कर सब काम करना चाहिए, पॉजिटिव वे रखना चाहिए हमें इनके प्रति।
तो ये प्यार का सैलाब यूं ही बहता रहे, इसके लिए जरूरी है कि इस मौके पर कुछ नायाब तोहफों का भी आदान प्रदान कर लिया जाए। दिल से निकला संदेश दिल तक सही तरीके से पहुंचे, इसके लिए रास्ता हर बार तो नहीं पर कई बार आपकी जेब से होकर भी जाता है। कहने का मतलब ये है कि गिफ्ट के मामले में कोताही बिल्कुल ना करें। बाजार में कई तरह के गिफ्ट आइटम्स आपको मिल जाएंगे जिसको देखकर आप अपने दिल की बात कह सकते हैं। तो फोटो फ्रेम से लेकर ग्रीटिंग कार्ड तक कई सारी चीजें लोगों को भा रही हैं, लेकिन लोगों का क्या कहना है इस दिन को लेकर ये भी एक बार जान लेते हैं। लेकिन वो अच्छा नहीं है। जब स्टूडेंट का किसी भी इंसान का ब्रेन डेवलप ना हो मतलब वो अपने डिसीजन को ना ले तो ये सब सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए किसी भी पर्सन को। जैसा कि हम सभी को पता है कि हम लोग 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे का दिन मनाते हैं, और जो हमारी यंग जनरेशन है वो इसके लिए खासकर इंतजार करती रहती है कि कब वैलेंटाइन डे आएगा, हम लोगों को अच्छा टाइम बिताने के लिए टाइम मिलेगा। तो जैसा कि पति पत्नी जो है वो लोग 20 दिन के लिए इंतजार करते हैं। अगर हम मेरी खुद की बात करूँ तो हम दोनों सुबह सुबह एक दूसरे को विश करते हैं, दोपहर में हम एक दूसरे को बुके देते हैं और रात को हम डिनर के लिए जाते हैं। 21 साल हो चुके हैं हमारी शादी को, तो उससे पहले भी हम मिलते थे, आपस में दूसरे को फूल देते थे, विश करते थे, और मतलब मेरी जमानी हुई है। अरब हम जो वैलेंटाइन डे आने लग रहा है हम उनको सुबह सुबह एक दूसरे को गुप्ता फूल दे के हम आपस में विश करते हैं, खुशियाँ बनाते हैं। अच्छा त्यौहार, ऐसी कोई बात नहीं, लोग मनाते हैं, हम भी बना रहे हैं लगातार, और उसके उस दिन हम घूमने के लिए भी जाते हैं। बड़ा अच्छा त्यौहार है, हम लोग खूब इंजॉय करते हैं वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे एक ऐसी चीज़ है जो बाहर से आई हुई है लेकिन इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी है, ये फीलिंग करने वाले के ऊपर है। वैलेंटाइन डे ज़रूरी नहीं भी लड़का और लड़की ही मनाए, ये हम अपने पेरेंट्स के लिए भी कर सकते हैं, अपने बहन भाई के लिए भी कर सकते हैं। इसका मेन मकसद है अपने प्यार को दर्शाना। तो पंजाब में भी गिफ्ट गैलरी सजी हुई है और हर बार की तरह इस बार भी खूबसूरत गिफ्ट आइटम्स दुकानों में हैं। लाइटिंग, कैंडल, चॉकलेट्स, ग्रीटिंग कार्ड्स और भी कई तरह के गिफ्ट्स रेंज आपको मिल जाएंगी अपने प्यार का इजहार करने के लिए। इस दिन गिफ्ट्स का सहारा लिया जाता है, इसलिए लोग इन दुकानों में पहुंच रहे हैं। और इतना ही नहीं, प्रेमियों को रिझाने के लिए दुकानों को सजाया गया है लाल बलून के साथ और हर तरफ दिल, सॉफ्ट टॉयज, ग्रीटिंग कार्ड्स और कई तरह के गिफ्ट्स आइटम्स आपको मिल जाएंगे। हमने उन लोगों से भी जाना कि आखिर कैसे गिफ्ट्स वो खरीद रहे हैं, कितना उत्साह है वैलेंटाइन डे को लेकर। वैलेंटाइन डे प्यार करने का प्रतीक है। इस दिन सारे एक दूजे नाल घुल मिलते हैं, रिश्ते नहीं बढ़ते हैं, तो नाले एक दूजे को सारे गिफ्ट्स भी देंगे ने, टैडीज हो गए, हार्ट्स हो गए या फिर होर बकरिया चीज़ा भी देंगे ने, सारे वधिया तरीके नाल रहिंदे ने। जिन नए रिश्ते भी बनते हैं, कई जिवें हुण हसबैंड वाइफ दे रिश्ते हो गए, फ्रेंड्स दे सर्कल दे सारे दे रिश्ते वधिया हुंदे ने। इस दिन इन्हां नूं बस मिलजुल के मनाउणा चाहीदा। वैलेंटाइन डे प्यार करने वाले का दिन होता है। इस दिन हसबैंड अपने वाइफ को गिफ्ट देते हैं, वाइफ अपने हसबैंड को गिफ्ट देते हैं, और जो फ्रेंड्स है वो अपने फ्रेंड्स सर्कल आपस गिफ्ट देते हैं, कार्ड्स वगैरह, कैंडल्स वगैरह, तरह तरह के गिफ्ट देते हैं, टैडी वगैरह। तो ये बहुत वधिया दिन होता है, ये प्यार करने वाले एक स्पैशल त्यौहार ही मनिया गया एक तरह का, और इस दिन सारे वधिया बन के आना चाहिए और प्यार नाल रहना चाहिए। वैलेंटाइन इस बार कार्ड्स वगैरह बहुत आए हैं, बहुत बड़े बड़े कार्ड आए, म्यूजिकल कार्ड्स, सॉफ्ट टॉय आए हैं, 6 फुट का टेडी आया है, हार्ट्स आए हैं, चॉकलेट्स आई हैं, तो और बहुत आइटम है, मैसेज बॉटल्स ऐसी छोटियाँ, बहुत चीज़ा है, रोजेज आए हैं, गोल्डन रोज, ये LED रोज आए हैं, नए LED रोज, कुछ लाइटें चलती हैं, इस तरह की आइटम बहुत आई हैं। वैलेंटाइन का बहुत क्रेज़ होता है जी, जेड़े भी लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं वो इस तरीके एक दूजे को गिफ्ट देंगे। जिदा मतलब मैं खरीदया है जी, ये मेरी नवी मैरिज हुई है हमने, मैं अपने प्यार नू एक्सप्रेस करने लिए एक एज ए सिंबॉलिक बहुत वड्डा हार्ट खरीदया, जो मैं आपकी वाइफ नू वैलेंटाइन डे ते मतलब गिफ्ट करूँगा। ये
खरीदे है, बाकी मैं ग्रीटिंग खरीदे है एक बड़े सारा। वैलेंटाइन डे की रौनक हर तरफ नजर आ रही है और इस खूबसूरत दिन पर एक दूसरे को गिफ्ट दिए जाते हैं, साथ ही इस दिन को और खास बनाने के लिए घूमने फिरने का ट्रेंड भी है। साइबर सिटी गुरुग्राम में वैलेंटाइन डे का खुमार छाया दिखा, कपल्स एक दूसरे को चॉकलेट गुलाब गिफ्ट देते हुए अलग अलग जगहों पर एंजॉय करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो हर तरफ रौनक दिखाई दे रही है, पूरा माहौल प्यार भरा दिख रहा है। We came here and it was wonderful and we had a great time, a very romantic time. This Kingdom of Dreams is very nice and today it's very very romantic. मैं ऐसे कुछ पहले प्रिपरेशन नहीं की, बस जो वैलेंटाइन डे पे एक दूसरे को सरप्राइज देना होता है उसकी एक हफ्ता पहले तैयारी करनी होती है बस। हाँ मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ गिफ्ट। मैंने अपने हाथ से केक बना के मुझे रात को खिलाया था। तो हर साल वैलेंटाइन डे मनाया जाता है लेकिन भारत में इसको लेकर हमेशा विवाद रहा है। कुछ लोग इसे विदेशी सभ्यता मानते हैं और कुछ इसे प्यार भरा दिन मानते हैं। ऐसी ही कुछ मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई कैथल से। कॉलेज में छात्र छात्राओं ने इस दिन को अलग अलग रूप में मनाए जाने वाला त्योहार बताया। प्यार होता है कि हम किसी भी इंसान से प्यार करते हैं, अपने पेरेंट्स से प्यार करना, अपनी मतलब फ्रेंड से प्यार करना, जो भी है। आज की डेट में मतलब हम सिर्फ यही देखते हैं कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और वो वैलेंटाइन डे मनाते हैं, बट बेसिकली जो ये वैलेंटाइन वीक भी चल रहा था इसके हर डे में मेरी मदर और मेरे फादर के साथ सेलिब्रेट कर रही थी, उनको जाकर रोज़ दे रही थी, चॉकलेट्स दे रही थी, और लाइक मेरी लाइफ में मतलब एक मेरा छोटा भाई है उसको जाकर मैंने प्रपोज किया और मेरी लाइफ में बहुत मतलब लाइक बहुत अच्छी तरह से मैं वैलेंटाइन डे को मना रही हूँ। और वैलेंटाइन डे एक मतलब प्यार का इजहार करना है, ऐसा नहीं है कि प्यार सिर्फ हम एक किसी लड़के से ही कर सकते, किसी से भी कर सकते हैं। मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपनी मम्मी से करती हूँ, मैं अपनी मम्मी के साथ सब कुछ मनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी हमेशा मेरी वजह से खुश रहे, मैं हमेशा उनकी इज्जत करूँ। इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना, ये सब प्यार का सबसे बड़ा। वैलेंटाइन मतलब इट्स हमने इस बार क्या प्यार, वैलेंटाइन इज़ ऑल अबाउट लव, तो मतलब बट आजकल की जनरेशन ने इसको बहुत गलत तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया है। मतलब सारे लोग सोचते हैं कि इन्फैचुएशन हमें प्यार हो गया, तो मतलब इसका बहुत रुका पा रखा है कि वैलेंटाइन, बट हमें इसको बहुत पॉजिटिव वे में लेके चलना चाहिए कि हाँ हम प्यार करते हैं अपने मम्मी पापा से, अपने भाई बहन फ्रेंड से। इट्स ऑल अबाउट लव, नॉट अबाउट इन्फैचुएशन या फिर कि गलत चीज़ है। हमें इसको पॉजिटिव वे में लेके चलना चाहिए कि हाँ प्योरिटी ऑफ लव। मैं अभी सिंगल हूँ इसलिए वैलेंटाइन डे एज अ कपल तो मैंने आज तक सेलिब्रेट किया नहीं है, बट हाँ ये है कि फ्रेंड्स के साथ हमने सेलिब्रेट कर सकते हैं कि जैसे चॉकलेट दे है तो फ्रेंड्स को ही चॉकलेट दे सकते हैं, तो उस रूप में भी हम वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप रिलेशनशिप में हो तो ही वैलेंटाइन डे आप सेलिब्रेट करो। सर मेरा मानना है, मेरा जो नज़रिया है कि इसको गलत रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये तो एक बहुत अच्छा दिन है जो लोग प्यार करते हैं। पहली बात तो प्यार का मतलब कोई लड़का लड़की के बीच में प्यार नहीं है, प्यार किसी के बीच में भी हो सकता है। दूसरा मेरा ये कहना है कि प्यार जो है मतलब आज के टाइम में सोसाइटी में मोरल वैल्यूज़ जो ख़त्म हो रही हैं, तो मोरल वैल्यूज़ दोबारा से एक दूसरे के लोगों के बीच में आए, तो इस रूप में भी वैलेंटाइन डे को मनाना चाहिए, मेरा ये मानना। तो आज के इस दिन को लेकर करनाल में भी कुछ इसी तरह से मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई। युवाओं का कहना है कि सभी को वैलेंटाइन डे तो याद है लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत याद नहीं। इसी दिन उन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी थी। आज की पीढ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा ये फ्रेंड्स में बनाने लगी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हर किसी के साथ जिससे हम प्यार करते हैं, चाहे वो हमारे माँ बाप हों, चाहे वो हमारे भाई बहन हों, चाहे वो हमारे टीचर्स क्यों ना हो, हमें सबके साथ ये फेस्टिवल मनाना चाहिए। कुछ लोग इसे गलत वे में मनाते हैं, हमें वो नहीं करना चाहिए। हमारे को हमारे देश के कल्चर जो है उस संस्कृति को ध्यान में रखते हुए इसे मनाना चाहिए। संदेश ये देना चाहेंगे कि आप ये फेस्टिवल करें और अच्छी तरह इसे सेलिब्रेट भी करें, बट एक दायरे में और सबके साथ मनाएं जिनसे आप प्यार करते हैं, चाहे वो माँ बाप हों, चाहे कोई भी हो।
जो वैलेंटाइन डे होता है वो खाली सिर्फ ये नहीं है, मतलब एक प्यार का दिन होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ ही बनाएं, इसे हम अपने पेरेंट्स के साथ भी बना सकते हैं, टीचर के साथ भी बना सकते हैं, सिस्टर ब्रदर सब कुछ, क्योंकि हमें प्यार को एक अच्छे वे से लेना है। ज़रूरी नहीं है कि हम इसे गलत वे से लें। और उस दिन हम शहीदी दिवस भी मनाते हैं, जिसका मतलब ये है कि हम अपने शहीदों, अपने कल्चर की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, ना कि वेस्टर्न कल्चर की तरफ। इसलिए हमें थोड़ा इसे अपने अकॉर्डिंग, संदेश ये है कि आप मनाओ, लेकिन आप अपने एक उसमें रह के मनाओ, अपने कल्चर को ध्यान में रख के मनाओ, ताकि आप अपना जो शहीदी दिवस है उसको भी ना भूलो, क्योंकि हमारे लिए तो वही इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। वैलेंटाइन के डे के बारे में बोलूँगी, वेस्टर्न कल्चर है लेकिन हर कल्चर को हमने अपनाया है इंडिया में, तो मनाना भी चाहिए लेकिन सही ढंग से मनाना चाहिए। जैसा कि कहा है और भी कहा गया कि प्यार प्यार होता है, वो हर किसी के लिए होता है, चाहे वो माँ बाप का हो, चाहे दोस्त का हो, किसी का हो। मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई जो भी है कल्चर, उसे हमें सही ढंग से मनाना चाहिए और अपनी सभ्यता को ध्यान में रखकर मनाना चाहिए। So we are talking about 14 Feb. According to Indian culture, इस दिन जो हमारे बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर रहे हैं भगत सिंह, उनका शहीदी दिवस होता है। So according to me, ठीक है वैलेंटाइन डे है, बट वेस्टर्न कल्चर हम इतना अपना चुके हैं, बट वो लोग हमारा कल्चर नहीं अपनाते, दे डोंट इवन वैल्यू इंडियंस। सो अकॉर्डिंग टू मी ठीक है वैलेंटाइन डे है, अपने पेरेंट्स को विश करो और टीचर्स को विश करो, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करो, बट शहीदी दिवस को साथ ध्यान रख के थोड़ा सा उसके लिए भी थोड़ा सा हम साइड बाय साइड जाएं। जो वैलेंटाइन वीक में प्रॉमिस जो होता है, उसे भी हमें अपने शहीदों के लिए कुछ प्रॉमिस करना चाहिए कि हम उनके साथ उन्हीं के लिए अपना शहीदी दिवस मनाएंगे। वो हमेशा हमें प्रॉमिस करना चाहिए प्रॉमिस डे पे, ना कि हमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स के साथ कोई प्रॉमिस करना चाहिए या किसी लड़का लड़की के साथ कोई प्रॉमिस करना चाहिए। ये जो वैलेंटाइन डे है, ये वेस्टर्न कल्चर है, ये बहुत ज़्यादा इंडिया में मनाया जा रहा है, इसका क्या फ़ायदा है? उस दिन 14 फरवरी को अपना शहीदी दिवस होता है, वीर जवानों ने अपनी शहीदी दी थी देश को आज़ाद कराने के लिए, लोग उन्हें भूलकर वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, क्या फ़ायदा हो रहा है इससे? इससे अच्छा तो अपने कल्चर में रह के शहीदी दिवस मनाएं, और थोड़ा खुद को भी अच्छा लगेगा, देश के लिए भी कुछ अच्छा होगा। जैसा कि 14 फरवरी को मानते हैं कि शहीदी दिवस होता है, तो उसको सेलिब्रेट करने की बजाय वैलेंटाइन दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो कि गलत है। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक, एक लिमिट में रह करके हर चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसे प्रॉमिस जाए एक अपने एनवायरनमेंट से प्रॉमिस करना चाहिए। हमें उसको गुलाब जैसे तोड़ के दिए जाते हैं, पेड़ों को नुकसान पहुँचाते हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाते हैं, उस तरीके से वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमें एनवायरनमेंट को प्रॉमिस करना चाहिए कि हम उसको सेव करने के लिए जद्दोजहद से कोशिश करेंगे। तो लोगों की राय आपने आज के दिन को लेकर सुनी, तो सभी लोगों का यही कहना है कि प्यार का कोई एक दिन नहीं होता, हर साल हर दिन आप प्यार मना सकते हैं। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही, आगे देखिए सबसे बड़ी चुनावी चर्चा, यमुनानगर से दंगल 2019।